अधिराज की मॉम अधिराज से सवाल करने बैठ जाती हैं कि आखिर वो काव्या को छोड़ने क्यों नहीं गए। तभी अधिराज बताते हैं कि वो काम के सिलसिले में इतने ज्यादा मशरूफ हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा और उनकी नींद ही नहीं खुली। हालांकि ये सब अधिराज झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो काव्या को जाते हुए देख ही नहीं सकते थे। तो दूसरी ओर उनकी माँ भी सवाल कर बैठती हैं कि अधिराज तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो आखिर अब उनकी नींद क्यों नहीं खुली। जिस पे अधिराज बहाना बनाते हुए बात को टाल देते हैं। ये जो रिश्तों की रातें होती हैं बहुत कच्ची होती है, खींचने से टूट जाती है, जोड़ने से जुड़ने ही पाती है। कहते हैं कि वो दोनों अलग नहीं हुए हैं, बस कुछ काम के सिलसिले में काव्या को उनसे दूर रहना पड़ रहा है और वो फिर से काव्या से मिलने जाएंगे और उन्हें लेकर आएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिर काव्या किस काम के सिलसिले में बाहर गई है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना।